मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को वाराणसी के कचहरी क्षेत्र में स्थित एक गोलगप्पे की दुकान पर पहुंची, जहां उन्होंने जी भरकर बनारसी गोलगप्पे खाए। उन्हें देखते ही वहां आम लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सभी का अभिवादन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन बाबा काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे। काल भैरव के दर्शन से पहले जेपी नड्डा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वपरि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद वे सीधे हुए काशी के कोतवाल कहे जाने वाले और तमाम दुख बाधा और बुरी नजर से बचाने वाले देवता काल भैरव के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर आते ही बाबा काल भैरव की मूर्ति के सामने जेपी नड्डा ने शीश झुकाया और प्रणाम किया, जिसके बाद वहां मौजूद महंत और पुजारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से विधिवत पूजन अर्चन कराया। कोरोना महामारी के कारण 11 महीने से भी ज्यादा समय तक बंद रहे प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूल सोमवार से खुल गए। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। स्कूलों में कक्षा की कुल क्षमता से 50% बच्चों को ही बुलाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के नरही में एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स दी और उनसे बातचीत की। यूपी में सोमवार से प्रदेश के सभी जिलों में बुजुर्ग और गंभीर पुरानी बीमारियों से ग्रस्त मरीजों का टीकाकरण शुरू हो गया है। बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ टीकाकरण के लिए पहुंचे। इसके पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाया। इससे लोगों का हौसला बढ़ा। उम्मीद है कि अब टीकाकरण में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रदेश में 225 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। अलीगढ़ जिले में एक दलित किशोरी की हत्या कर शव को गेहूं के खेत में फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है। किशोरी अपने ननिहाल में रह रही थी। जानकारी के अनुसार वो रविवार दोपहर मवेशियों के लिए चारा लेने खेत में गई थी, लेकिन जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तब परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जिसके बाद उसका शव गेहूं के खेत में मिला। परिवार के लोगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। अब भगवत गीता का संदेश अंतरिक्ष में भी गुंजायमान होगा, क्योंकि इस बार PSLV के साथ इलेक्ट्रॉनिक भगवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसरो का पोलर लॉन्च व्हीकल अपने साथ सैटेलाइट के अलावा भगवत गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी लेकर उड़ान भर चुका है। आपको बता दें कि श्री हरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र ने PSLV ने अपने साथ 19 सैटेलाइट को साथ लेकर श्री हरिकोटा से उड़ान भरी है। इस बार सबसे अहम बात यह है कि इस रॉकेट के साथ श्री राम भगवत गीता भी इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी साथ भेजी गई है, जिसको लेकर कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नाराजगी व्यक्त की है। बिकरू कांड में सोमवार को बड़ा खुलासा हुआ है। STF ने विकास दुबे को फरार कराने में सहयोग करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही STF ने आरोपियों के पास से SLO का जखीरा बरामद किए हैं। इसके साथ ही STF ने विकास दुबे का iPhone, अमर और प्रभात के मोबाइल भी बरामद किए हैं। साथ ही STF ने वो कार भी बरामद कर ली है, जिससे विकास दुबे घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुआ था। मिर्जापुर जिले में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है। रविवार देर रात हुई इस घटना से गांव में कोहराम मच गया है। वहीं घटना की सूचना के बाद DM ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बात की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर में पति ने पत्नी को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। मामला जिले के समीरपुर थाना क्षेत्र के धनेश्वर बाबा का है, जहां मामूली घरेलू विवाद को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और लाठी डंडों से पीट पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। फतेहपुर जिले में लापता स्कूली छात्रा की डेड बॉडी गांव के बाहर जंगल में संदिग्ध हालत में मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक छात्रा अपने मामा के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। परिजनों ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का गांव के ही 4 लोगों पर आरोप लगाया है।